गाइस दिस इज इनफिनिक्स नोट 12 G96 जो कि पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है, तो मैंने कहा फिर इसको पकड़ें, इसको खोल के इसकी ले ली जाए। बस लोग किधर चले जाते हो यार, तुसी प्यारी समझ गई। खैर जानते हैं इस फोन के बारे में। बाय द वे ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है जो कि आपको 36,000 की प्राइस में देखने को मिलता है, जो कि इसकी रिटेल प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक सो कि ये जो है वो आपको 34 का देखने को मिलेगा। तो जानते हैं इस फोन के बारे में सारी चीजें डिटेल के साथ, क्या कुछ सीन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। देखो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो, सिंपल 500 लाइक्स जो कि आप रोजाना की तरह कंप्लीट कर देते हो। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाके ऑल पे क्लिक कर दो ताकि जैसे कोई ऐसी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो भाई करते हैं फोन को फटाफट से अनबॉक्स। वैसे फोन मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है। खैर बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी हमारी डिवाइस नोट 12। उसके बाद में अगर बॉक्स में देखा जाए तो भाई हमारे पास आ जाते हैं कुछ पेपर वर्क और ये एक्सपाल का जो इनका कार्ड है। और उसके बाद में अगर बॉक्स में देखें यहाँ पर तो हमारे पास आती है भाई एक सिलिकन केस, ठीक ठाक क्वालिटी की है। एंड उसके बाद में एक देखने को मिलता है हमें यहाँ पर 33 वोल्ट का चार्जर और एक टाइप सी की केबल एंड लास्ट पे एक सिम इजेक्शन टूल, दैट्स इट। सो करते हैं सारी चीज़ों को साइड पे। पढ़ो यार कूड़ा कितना आता। सो ये है भाई इन्फिनिक्स नोट 12 G96। अब डिज़ाइन आपके सामने भाई कैसा लगा आपने मुझे बताना। बस ठीक ठाक है, मुझे तो लाइक इसका जो होट 12 है ना उस जैसा ही, और बाकी ये प्लास्टिक बैक है मैट फिनिश के साथ आ रहा है, फिंगर्स मजीज नहीं लगेंगे। अगर तुम गंदे हाथ करके लाओगे फिर शायद लग सकते हैं। खैर बाकी ये फ्लैट फ्रेम्स के साथ आ रहा है। और बॉटम पे देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, टाइप सी पोर्ट है, एक आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है और एक जो है वो मोरी है जिसमें आप डाल सकते हैं। राइट साइड पे आपको जो है वो पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज देखने को मिलती है। टॉप साइड बिल्कुल खाली है। उसके बाद में लेफ्ट में आपको जो है वो सिम ट्रे देखने को मिलती है जिसमें आप दो सिम्स और एक एसडी कार्ड को यूज कर सकते हैं। बाय द वे जो स्मार्टफोन है ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। स्पीड इसकी टेस्ट कर लेते हैं। गुड यार, बस फिंगरप्रिंट इन्हें काम होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो बाकी। तो खैर उसके बाद में इस फोन के अगर डिस्प्ले की बात करूं तो भाई एमोलेड डिस्प्ले है 36,000 की प्राइस में। 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशंस है और यहां पर किसी भी किस्म का आपको हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। अब ये जो एमोलेड डिस्प्ले है ना ये कोई नई चीज नहीं, आई मीन ये लोग जो है वो आपको नोट 11 में यही सेम पैनल, यहाँ पर किसी भी किस्म का कुछ भी अपग्रेड डाउनग्रेड कुछ भी नहीं किया गया। ये वही पैनल है जो कि आपको ये लोग 26,000 की प्राइस में दे रहे थे, अब वही पैनल उठाकर इस फोन में डाल दिया गया। तो ठीक है डिस्प्ले एवरेज ही है, कोई मतलब के बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में डिजाइन आपके सामने है। बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। उसके बाद में आपको दो सेंसर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप बेकार बोल सकते हैं बिकॉज मेरे तो ये किसी काम के नहीं है। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है नोच के साथ। अब क्वालिटी की बात करते हैं तो भाई रात का टाइम है फिलहाल, मैंने इनको जो है वो टेस्ट नहीं कर रखा, बट यस मैं इनको टेस्ट करूंगा। उसके बाद में इसके जो कैमरा सैंपल रहे हैं जो कुछ शॉट्स होंगे वो मैं आगे ऐड कर दूंगा। तो भाई आपने कैमरा सैंपल्स देखे, आपको ओपिनियन चाहिए कि आपको कैसे लगे। मुझे पता है इन्फिनिक्स के जो कैमरास होते हैं बट ठीक ठाक एवरेज से ही हैं। बाकी व्हाट्स योर ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी से शेयर करना। और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी पता चल गया, ताकि जैसे कोई नई मजीद ऐसी वीडियोज आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा भाई इस फोन में आते हैं डुअल स्पीकर। अब डुअल स्पीकर, एक स्पीकर आपको मैंने बॉटम पे दिखाया था, जो दूसरा स्पीकर है वो आपको जो है वो ऊपर एयर पीस में देखने को मिलता है। तो उसको फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी क्वालिटी है। हाल में शुकन दे, बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। भाई अच्छी चीज है, क्वालिटी की बात करूं ऑडियो ठीक है भाई। अच्छा भाई उसके बाद आते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के ऊपर। दी लेजेंडरी प्रोसेसर भाई मार्केट में टक्कर ही नहीं है इस फोन की। इसमें आपको देखने को मिलता है वंस अगेन मीडियाटेक का हिलियो G96 प्रोसेसर। अच्छा बट एक चीज जब बार बार रिपीट होती है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती, बट यस क्या कर सकते हैं। यू नो गाइज के चिपसेट छोटे चल रही है हर जगह पे, जितने भी ब्रांड्स हैं या तो वो स्नैपड्रैगन 680 यूज कर रहे हैं या फिर वो लोग जो है वो मीडियाटेक का G96 ही यूज कर रहे हैं। G96 एक बुरा प्रोसेसर नहीं है बिकॉज जहां पर दूसरे ब्रांड्स आपको 50-60 हजार की प्राइस में दे रहे हैं तो वहां पर 35-36 में ये जो है वो जस्टिफाई करता है नो डाउट। पबजी में आपको 40 FPS देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो पबजी टेस्ट भी इसका कर डालेंगे, बट यस परफॉर्मेंस आई नो कि अच्छी होगी, बट आजकल गर्मी है तो आपको पता है ये हीट भी होगा, इसकी फटेगी भी, ये लैग भी करेगा, बट वो मैं आपको टेस्ट में बताऊंगा। उसके बाद में आते हैं इस फोन की बैटरी की तरफ। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग टाइप सी के साथ आ रहा है,
दैट्स इट। ये है भाई इन्फिनिक्स का नोट 12 G96 वाला, कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया है, वो जो इनके पास पुरानी चीजें पड़ी थी भाई उठाकर डाल दी गई हैं, और इनका एक नया फोन नया मॉडल बन गया है और प्राइसिंग आपके सामने है। और यही कुछ एक शॉर्ट सी वीडियो थी इस फोन के बारे में, जो चीजें मैंने आपको बतानी थी, जो कुछ क्लियर करना था। अब आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में? अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो बस ठीक ठाक किया, बिकॉज इसी प्राइस में आपको जो है वो टेक्नो का कैमन 18P और उसके बाद में जो है वो इन्फिनिक्स का नोट 11 प्रो भी देखने को मिलता है, एंड आई थिंक सो कि वो दोनों फोन इससे ज्यादा बेहतर हैं। यस, तो अगर आप इस बजट में कोई फोन ढूंढ रहे तो फिलहाल के लिए आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बाकी एक सिंपल सी बात जो मैं लास्ट पे करना चाहूंगा, ये वही इन्फिनिक्स नोट 11 है, बस डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, प्रोसेसर चेंज है, बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं। सो दैट्स इट। सो गाइज, आई होप कि ये आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।